कोडरमा गौशाला समिति यदुटांग के ग्रामीणों के बीच जमीन विवाद को लेकर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यदुटांग और आसपास के ग्रामीणों ने अपनी जमीन बताकर गौशाला के बाउंड्री वाल निर्माण कार्य को रोक दिया है, जिसे समिति और ग्रामीणों के बीच विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। निर्माण स्थल पिछले 3 दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। फिलहाल गौशाला समिति अपने 15 एकड़ खाली पड़े भूभाग को घेराबंदी करने में जुटा है और उसे लेकर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण पिछले 3 दिनों से लगातार निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए मजिस्ट्रेट प्रतिनिधि किए गए हैं, जिसे लेकर पुलिस वालों की ज़्यादा संख्या नहीं होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। आज सुबह से हम लोगों का सारा काम बंद है। लगभग 100 मजदूर और मिस्त्री हमारे लगे हुए हैं और डेली का ये काम है कि हम लोगों को हर समय इन लोग आकर के बीच में डिस्टर्ब करते हैं और प्रशासन का हम लोगों को सहयोग मिलता है और नहीं भी मिलता है, जो कि दो दो मजिस्ट्रेट रविवार से आकर के बैठे हुए हैं, उनको फोर्स नहीं मिलने के कारण काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हम लोगों ने 2 बजे सारे कमेटी के मेंबर ने डिसीजन लिया कि हम लोग गौशाला को चाबी ले आकर के पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग दे देंगे और राज्यपाल महोदय इसके वो गौशाला के जो है सो उनके भी मार्गदर्शन में चलता है, तो हम लोग कल उनको जा करके एक विज्ञापन अपना दे देंगे कि हम लोग गौशाला नहीं चला सकते हैं, इसको जिसके देना है अपना दे दिया जाए। क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, जो कि ये आज की जमीन नहीं है, 70 साल पुराने हमारे पूर्वजों लोगों ने दिया है। 25 एकड़ जमीन है, उसमें मात्र हम लोगों का भी 15 एकड़ जमीन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो कि और अभी इंक्रोचमेंट में भी हम लोगों का जमीन बचा हुआ है, उसको अभी हम लोग देख ही नहीं रहे, जो खाली जमीन उसको हम लोग अधिग्रहण कर रहे हैं अपना। प्रशासन के बीच में ये हालत है, रेलवे मेरा हम मुआवजा दिया है और जमीन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। खजानी जमीन है आप लोग का? खजानी जमीन, हाँ खजानी जमीन है। कितना नंबर खाता है हमारा? गौशाला 14 नंबर है। गौशाला हमारा पेपर दिखावे, गौशाला ले लिया तो हम छोड़ देंगे। खाता नंबर प्लॉट नंबर कितना है? प्लॉट 14 है। खाता 7 है, खाता नंबर 7 है। हुआ है आज हम लोग आए थे, पूर्वांचल कर्मी पुलिस थान प्रभारी भी आए थे, कुछ ग्रामीण द्वारा यहाँ पर निर्माण संबंधी में बता डाला जा रहा था, उससे दोनों बीच में लोग वार्ता किए हैं, वो लोग बोले हैं कि हम लोग जो भी समस्या है आपसी जो है मेंबर को कर लेंगे और निर्माण कर कराया जा रहा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।